वालेकुम दोस्तों, कैसे जी? उम्मीद है कि जी आप सब ठीक होएंगे जी। आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे जी इनको की वॉशर मशीन। तो चले इसका हम देखते हैं जी, इस बॉक्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती है और क्या क्या नहीं निकलती। तो ये है जी 1500 वाट की मशीन है। तो इसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। अच्छा, इनको की एक पहले मशीन आ जाएगी, ठीक है जी, ऊपर लिखा हुआ जी, ठीक है, 1500 वाट की मशीन आ जाती है। एसेसरीज के अंदर क्या क्या चाहिए जी? वन पीसेस आपको मिलेगा कनेक्शन, यानी कि वॉशने वगैरह नहीं होती, वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। वो इसके अंदर 1.5 मीटर का एक पाइप मिलेगा जो आप मशीन के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक और वॉशर मिलेगी, कनेक्टर जो होता है, आप ज्वाइन जो होता है वो आपको मिलेगा। एक फिल्टर मिल जाएगा आपको, एक 6 मीटर वाला पाइप, ये कितना लिखा हुआ है, 8 मीटर, 8 मीटर वाला पाइप आपको मिलेगा जो गन के साथ लगेगा। और एक इसके अंदर गन होगी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है जी। ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बाकी मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जी। तो ये मैं काफ़ी दिन से मैंने लाग रखी हुई है, अभी तक यूज़ भी नहीं की मैंने। तो चले मैं आपके साथ रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चीज़ें वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक मैनुअल मिल जाता है, जिस मैनुअल के अंदर 2 वॉशने हो जाती है, जो उन्होंने हमें ऑप्शन में बताया हुआ था, ठीक है जी। ये वॉशने हमें मिल जाएगी, ठीक है। और साथ मैनुअल आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। अक्सर बंदे ये मैनुअल पढ़ते नहीं है, गलत तरीके से लगा के तो अपनी मोटर को ख़राब कर देते हैं। ये देखिए सारा अंदर लिखा हुआ। अच्छा, ये मशीन है 100 बार वाली है। लोग कहते हैं 200 बार है जी, 150 बार है, बहुत तेज़ है। ये उनके मुकाबले में है, क्योंकि इनको कंपनी का आपको पता ही है रिजल्ट कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है जी। इसको हम रखते हैं इधर। अच्छा, ये 8 मीटर का एक पाइप निकल आएगा जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने पाइप दिया हुआ है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग देखे, ठीक है जी। तो ये कनेक्टर वगैरह सारे चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। यह सब पाइप होगा, ये 8 मीटर का पाइप है। तो 100 बार इसमें भी लिखा हुआ है, ये 100 बार से अगर ज़्यादा भी हो ये पाइप फटेगा नहीं, ठीक है जी। बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये फ़िल्टर आ जाएगा जो आप बगैर, आप मोटर क्या नाम है, बगैर टैंकी से पानी लिए, बगैर आप बाल्टी में से आप ये पानी निकाल सकते हैं, ये फ़िल्टर होता है जी, ठीक है। और इसके अलावा हमें मिलेगा जी एक गन मिल जाएगी जी, जो इसकी स्पेशल, जो इनको कंपनी की अपनी स्पेशल गन आती है, जिसमें से ये आप देख सकते हैं जी ये चीज़ है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की, और ये ब्रास में है, ठीक है जी। या गौर से आप देख सकते हैं ब्रास में। चलो, ये भी देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा फिर अब मेन चीज़ हमारी तो मोटर ही आएगी, और तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोटर को भी हम निकालते हैं किसी तरीके से। आ जा भाई, मोटर को निकालने से पहले जो आपको मैंने एक फिल्टर बताया था, ये उसका पाइप आ जाएगा, फिल्टर का, जो 3 मीटर का पाइप है, जो आप बाल्टी के अंदर पानी डाल के तो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने पाइप ही लगाना है टैंकी के साथ, ठीक है जी। तो आप पानी बाल्टी के अंदर डालें और आप इसको चला सकते हैं। ये 3 मीटर का पाइप आ जाएगा। फिर इसके अलावा फिर हमारी एक मेन जो मशीन है वो आप निकल आएगी, जो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन हुई हुई है। तो वो देखें, बॉक्स को हम पीछे रख लेते हैं और बॉक्स के अंदर खाली है फिलहाल। ये हमारी एक मशीन निकल आई जिसका वज़न अच्छा खासा भारी है, मगर पायदार चीज़ है। मोटर 1500 वाट है और आप देख सकते हैं, ये देखें जी, इसका ये प्रेशर वाशर, प्रेशर मशीन आ गई, ठीक है जी। आपको बताएगा ऑन ऑफ का बटन आएगा जो वाटर प्रूफ है, ठीक है। ये इन और आउट जगह आ जाती है, ठीक है। ये इनको कंपनी की है, ठीक है। और इधर ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं जी, ये मॉडल नंबर आ जाएगा। और नीचे से आप देख लें, ये SUV की मशीन है तो अच्छी है, वैसे गीली गीली ही है, क्योंकि मैं जब ली थी शॉप से तो वहाँ पर मैं चेक करके लेके आया था। चले फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं, चले इसकी हम इंस्टॉलेशन करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये आपने करना है। अच्छा, पहले तो हमें ये 2 फिल्टर मिलते हैं जी, ये चीज़, ठीक है। ये हम किस तरह लगाएंगे, अब मैं भी भूल गया हूँ, चले आपके साथ देखते हैं जी। ये लगेगा जी यहाँ पर जी, इस जगह में, इस जगह में। और आपने चूड़ी अच्छी तरह चढ़ानी, पहले आपने लेफ्ट करके पूरी बिठानी है, फिर आपने ये चढ़ानी है, ठीक है जी। ये आपने चूड़ी चढ़ाई और इसके साथ ही आपकी गन लगेगी पूरी, ठीक है। और जो दूसरी साइड है,
इसमें हम लिखा है कि सीधा डायरेक्ट पाइप। ये वाला पाइप होगा जी, ये पाइप है ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे करेंगे ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, और आपने सही तरह फिक्स इसके अंदर आपने कर देना पाइप। ये आ गया जी फिक्स। ज़्यादा बड़ा चौड़ा काम नहीं है ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह फिक्स करके ना, तो अब आपने इसके ऊपर क्लिप करना है खाली है, ये चीज़ सिर्फ आपने ये करना है, कनेक्ट हो गई है, लूज है थोड़ा सा, ये ठीक, ये टाइट हो गया ठीक है जी, ये आपका पाइप लग गया, और यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, इधर से इन होना है यहाँ से, तो ये जो है ना ये चीज़ ये आप डालेंगे उसके अंदर बाल्टी के अंदर, ऐसे फिल्टर लग जाएगा ये चीज। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने देखनी पूरी है ठीक है, आपको मैं एक और भी चीज़ बताऊंगा जो मैंने मंगवाई हुई है ठीक है, ये आपका हो गया तैयार। अच्छा दूसरा जो एरिया है वो आप ये रखेंगे जी, ये पाइप है 8 मीटर का ठीक है जी, इसको हम निकालते हैं बाहर, ये दो मुंह है ठीक है जी, इसके एक ये लंबा वाला है एक छोटा वाला है ठीक है जी, ये आपने इतिहास से डालना है किस चीज़ के अंदर आप करेंगे किस चीज़ के अंदर नहीं। मेरे ख्याल से जो ये वाला जो है ना ये बड़ी नोज़ल वाला और एक छोटी नोज़ल वाला, जो बड़ी नोज़ल वाला है ये मेरे ख्याल से गन के अंदर डलेगा ठीक है, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं गन के अंदर डलता है या नहीं डलता, फिर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए गन के अंदर, ये गन के अंदर ही जाएगा बड़ी नोज़ल वाला ठीक है जी, ये हम बाद में फिक्स करते हैं इसको, उससे पहले हम छोटा वाला फिक्स करके तो मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं आपको चला के भी बता दूंगा ठीक है। और हम पार्सल लेकर आए हैं जी, जो वॉशर मशीन का ही है, किस वजह से मैंने मंगाया है क्योंकि इनको की जो वॉशर प्रेशर जो होता है जी 1500 वाट वाला जो होता है, जो इसके साथ आपको फॉर्मिंग गन नहीं आती ठीक है जी, फॉर्मिंग बोतल नहीं आती और गन भी नहीं आती, क्योंकि इसके साथ तो आप लगा ही नहीं सकते क्या है वो गन वगैरह, वो कह रहा फोमिंग बोतल ठीक है जी, वो अब आपको अलहदा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चाइना से अलहदा ही मंगवा लिया था मैंने ये चीज़, तो वो भी मैं आपको अनपोस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, तो ये भी हम चेक करेंगे आज। अच्छा सबसे पहले हमारे पास बॉक्स में हम लिख लेगा जी हमारा ये गन, जिसके साथ आप बोतल लगा सकते हैं। चाहिए मैंने मंगवाए ऐसी चीज़ें, पता नहीं ये लगता है या नहीं लगता, तो अभी हम चेक कर लेते हैं नोज़ल वगैरह सब कुछ, तो नहीं ये नहीं लगेगा, गलत हो गया। चलो फिलहाल ये इसको हम बाद में हम चेक करते हैं कैसे लगता है कैसे नहीं ठीक है। एक तो मैंने गन मंगाई है, गन के साथ हमारे पास ये सारे इसके नट्स वगैरह आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएगी ठीक है। सर इसके अंदर वॉशर एक और भी पड़ी हुई है, शायद ये लगती हो ठीक है, तो अभी हम ये भी चेक करेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सों के मंगवाया हुआ ही है ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 जिस तरह आप इनको की प्रेशर गन है, इसमें आप एक ही तरीके से आप ब्रीक और ज़्यादा मोटा आप प्रेशर आप कर सकते हैं ठीक है। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर आपको ये पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं आपको लगा के भी चेक करा देता हूँ। जैसे कि अब ये पॉइंट है ठीक है जी, ये पॉइंट है, इसको हमने रखना है इधर, ये लग गया जी हमारा ये जी ठीक है, ये आपकी गन तैयार हो गई है, आपने राइट लेफ्ट जो भी करना है इस तरह कर सकते हैं ठीक है। इसको हम निकालना हो तो बड़े ही ईजी से हमारा ये निकल जाता है, तो ये हो गया जी। इसके साथ हमें कनेक्टर मिले थे, हाँ ये कनेक्टर मेरे ख्याल से लगेगा, फिर जाके गन लगेगी हमारी, ये आगे जी कनेक्टर। तो पहले तो हम इसके ऊपर हम चढ़ाते हैं ये चीज़ ठीक हो गया, और इसी बहाने ये चेक भी हो जाएगी हमारी ये मशीन ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये मैंने चाइना से मंगवाई है ठीक है जी, ये भी हम चेक करेंगे साथ साथ ठीक है। तो ये पाइप था वो भी हम निकाल के चेक करते हैं इसके साथ, अब लगता है कि नहीं लगता, ये पाइप तो दूसरा है, तो इसके साथ एक और भी कनेक्टर है वो भी हम चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये वाला कनेक्टर होगा, मेरे ख्याल से ये लग रहा है, हाँ ये वाला कनेक्टर होगा,
तो ये भी लगा के जाएगा। एक तो रोला बड़ा है, बाहर से जब मंगाओ ना चीज़ तो यही मसला होता है, कभी क्या कभी क्या। अगर आप यहीं से पाकिस्तान से अगर आप ले लेना तो वो बड़ा इजी रह जाता है। चले खैर है, कोई मसला नहीं। हम ये वाला कनेक्टर, ये पूरा वाशर उतरेगा फिर लगेगा मेरे ख्याल से, ये भी बात है, निकल जाओ भाई। चाहे इसके लिए पूरा वो बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो भी हम करके देखते हैं, ठीक है। तो एक तो गन आ गई हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास वॉशर आ गए सारे, ठीक है, तीन चार किस्मों के, ठीक है। और मेन जो चीज़ है, हमने जिस मकसद के लिए हमने मंगवाया था बाहर से, तो वो ये चीज़ है, ये फोमिंग बोतल है, ठीक है। अब फोमिंग बोतल भी हम देखते हैं जी ओपन करके वो कैसा है कैसा है। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पता चलता रहे जी कौन सी चीज़ क्या है। ये इसके साथ मेन्यू आ जाता है जो आपने पढ़ के, तो आपने इंस्टॉलेशन करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी एक ये फोमिंग बोतल आ गई, ठीक है जी। मेरे ख्याल से कम ये 1000 ml की बोतल है, ठीक है। ये हमारे पास बोतल आ गई इसकी, और ये हमारी मेन मशीन आ गई, और साथ में एक ये पाइप भी है जो आप इसके अंदर आप लगा सकते हैं। ये ऐसे पाइप लगेगा, ये पाइप लग जाएगा, और ये हमारा वाशर आ जाएगा। तो वाशर का वही चीज़ है, जिस तरह इनको मशीन के जो गन है ना, जिस तरह मूव होती है उस तरह ये भी मूव होता है, ठीक है। पूरा ये जबरदस्त है, यहाँ से तेज स्लो हो सकता है, और ऐसे ये वाशर लग जाता है ये जी। और ये भी ब्रास में है, ठीक है, क्वालिटी वाइज इसकी भी अच्छी है। ये मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे मिल रहे थे। एक तो इनको कंपनी का आ भी नहीं रहा था इसमें, इस कंपनी का, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो पीछे आप गन लगा के आराम से ये आप यूज़ कर सकते हैं फोम के लिए। चले इसके हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका प्रेशर कैसा है और कैसा नहीं, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने ये सेटअप कर लिया है, देखे जी, ये मशीन लगा ली है, इसका मैंने पाइप डाल दिया इस बाल्टी के अंदर, ठीक है जी, वो जा रहा है, ठीक है, अंदर। और दूसरा पाइप मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और अभी ये गन मैं आपके सामने लगाऊंगा, और ये मैंने स्विच लगा दिया है। तो इसको अब रख कर तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कैसे इसका सेटअप है, कैसे इसका प्रेशर है। तो चाहे आपके सामने ही लगाते हैं, ये इसका आ गया, ठीक है जी। ये अभी हम चल इसके अंदर कोई कचरा वगैरह लगा हुआ है, चल ये अभी हमने इसके अंदर डाल दिया, और अच्छी तरह हमने इसको बंद कर दिया। ये चीज़ आ गया। अच्छा, चलाने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आपने पहले कैमरा ही हिल गया। अच्छा, ये इस तरह लगेगा। अच्छा, चलाने से पहले आपने ये ख्याल रखना है, पहले इसको आप उतार दें, ठीक है जी, ताकि इसका प्रेशर बने। ऐसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे तो चले इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अभी ये प्रेशर बना रहा है, ठीक है, और पानी वहाँ से ले रहा है। देखिए कितना प्रेशर निकल रहा है ये। अच्छा, पहली गलती तो मैंने ये की थी, जब मैंने ऑन किया था ना उसी वक्त ही मुझे ये ट्रिगर दबा देना चाहिए था, मैंने दबाया नहीं ट्रिगर, ठीक है। तो प्रेशर बड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है, ये प्रेशर आ गया, तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। चले खैर है, बचत हो गई है। अच्छा, अब हम इसको अब लगाएंगे इसके अंदर, और अब हम यूज़ करेंगे इसका गन। चल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पहले तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है जी, पूरा हमने वो इसका ओपन किया हुआ है, और ये देखें जो भी कचरा सारा कचरा, और दूसरा ये है। ऐसे लगता है जिससे पूरी हवा वॉशरूम से घूम के हमारी तरफ आ रही, इतना तेज इसका प्रेशर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कैमरे में इतना नजर आ नहीं रहा जितना इसके अंदर है। तो दोबारा हम ट्राई करते हैं। या खुद प्रेशर दे सकते हैं, कितना तेज प्रेशर है ये इस मशीन का। तो बाल्टी में पानी देखे कितनी देर मैंने चलाया, ठीक है, और बाल्टी में पानी अभी इतना सही ही हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहिए, अब मैं दूसरी, अब गन जो है जो मैंने चाइना से इंपोर्ट की थी, अब वो लगा के इसके साथ मैं आपको टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगा ये कैसा है कैसा नहीं, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, ये मैंने चाइना से गन मंगाई थी, इसकी मैंने फिटिंग तो कर ली है, ठीक है। अब मसला ये बन गया जी, क्या नाम है, ये फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको आप ये दिखाऊं, ये देखें, ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा। इसे नोज़ल का फ़र्क है, पता नहीं क्या है, ये चेक होकर पता चलेगा इसका वाशर कैसा है कैसा नहीं, तभी वो आपकी फॉर्मिंग बोतल भी काम ही करेगी। तो लिहाजा आप ऑनलाइन चीज़ें कभी मत ले, ठीक है जी, अपने सामने अपने हिसाब से लिया करें, ताकि कि कौन सी चीज़ कैसे लग सकती है, ठीक है जी। अब ये देखें, एक सूत्र का फ़र्क आ गया। अब ये मैं दोबारा चाइना दोबारा भिजवाऊँगा, ठीक है जी, और दोबारा से फिर मुझे आएगा कौन सा महीना लग जाएगा। तो ये मशीन थी फिलहाल जो मैंने आपको इसका रिव्यू कराया, इसका प्रेशर मैंने आपको बता दिया कितना कितना नहीं, तो ये देख सकते हैं जी, ये रखा हुआ मशीन सारी, ठीक है, और ये इसका सामान आ जाएगा। दवाइयाँ नहीं है फिलहाल, ठीक है जी। आपको गन मैंने आपको बता दी, ये वाली इसकी गन है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।